पलासिया पुलिस ने एक युवती को उस वक्त बचाया जब वह फांसी लगा रही थी। युवती को बचाने के बाद पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद अब वह युवती अपने पूरे परिवार के साथ रहकर अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के बड़ी गोल टोली का है, जहां एक युवती फांसी लगा रही थी। सूचना पर पलासिया पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बचाया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके चार छोटे भाई बहन हैं, पिता की मौत हो गई है, वहीं मां भी उसे छोड़कर दूसरे के साथ चली गई है, जिसके बाद पुलिस ने युवती और उसकी माँ को काउंसलिंग की, जिसके बाद सभी एक साथ रहने को तैयार हो गए। वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा लगातार निर्देशित किया गया है कि महिलाओं के प्रति जो भी रिपोर्ट आती है उसमें गंभीरता से सुना जाए और संवेदनशीलता से उसका निराकरण किया जाए। इसी तारतम्य में थाना पलासिया पुलिस को बड़ी ग्वालटोली में भ्रमण के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फांसी लगा रही है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। जैसे ही जब मौके पर पहुंची तो लड़की ने जो है फांसी लगा ही लिया था, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, उसको फांसी से नीचे उतारा और उसका प्राथमिक उपचार किया। लड़की जब मतलब ठीक हो सवास में आई तब उससे पूछताछ किया। उसने फांसी लगाने का कारण ये बताया कि वो पांच बहन तथा एक भाई हैं और चार साल पहले उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। माँ अभी दो महीने पहले उनको छोड़कर चली गई है, तो इस कारण से वो तनाव में थी और पूरे घर परिवार का जिम्मेदारी चूँकि वो बड़ी थी इसके लिए उसके ऊपर आ गई थी। इसी तनाव के चलते उसने फांसी लगा ली थी। लड़की को और उसकी माँ को थाने बुलाया गया। थाने बुलाकर लगभग चार घंटे तक दोनों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने पर दोनों माँ जो है अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार हो गई और दोनों को जो समझाइश देकर रुखसत किया गया। माँ ने पूछताछ पर बताया कि उसके चार साल पहले पति की मृत्यु हो गई थी और वो अकेली थी। वो इसी दौरान जो है उसे उसका बचपन में उसका जो दोस्त था वो मिला, तो उसके साथ वो रहने चली गई थी। पुलिस की तत्परता से एक बार फिर एक परिवार टूटने से बच गया। अब सभी लोग एक साथ एक ही जगह रहने को तैयार हो गए हैं।